हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बन्नूज। तो चलिए ब्रांड, अगर इस वीडियो पर आ गए हो और अगर इस चैनल पर आ गए हो ना, तो मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि ब्रांड ये आपसे रिलेटेड वीडियो है, आपके यूट्यूब फीचर से रिलेटेड ये वीडियो, आपके यूट्यूब वर्क से रिलेटेड ये वीडियो है। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, आप ये देखकर चौंक जाओगे दोस्तों कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ ब्रांड, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो चलिए ब्रांड, वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए ब्रांड, मैं बताने वाला हूँ आपको अपने वीडियो के ट्रैफिक सोर्स के बारे में, जो आपका ट्रैफिक सोर्स होता है फ्रेंड, वो कहाँ से इंक्रीज़ होता है और वो कहाँ से बढ़ता है, एंड वो कहाँ से हमको प्राप्त होता है, एंड वो कहाँ से हमको मिलता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। इसी के साथ फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और ऐसे टेक और ट्रिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे टेक और ट्रिक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। तो चलिए ब्रांड, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं बताने वाला था आपको ट्रैफिक सोर्स के बारे में। ट्रैफिक सोर्स ये होता है दोस्तों, जैसे एक तो होता है एक्सटर्नल सोर्स, एक होता है आपका सजेस्टेड वीडियो, एक होता है आपका जो एक्सटर्नल व्यूज। ऐसे आपसे कम से कम मिनिमम, अगर आप मानो तो कम से कम 10 से लेकर आपको मिनिमम 8 से 10 से बीच में आपको ऐसे ट्रैफिक सोर्स मिलते हैं, जिससे आपके वीडियो में व्यूज इंक्रीज होते हैं। वो कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, ये आपको मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर बताऊंगा वो पूरी डिटेल में, कि आपको कहाँ से प्राप्त होता है, इनको क्या कहते हैं और ये कहाँ से प्राप्त होता है। ब्राउजर फीचर की बात करें तो दोस्तों, ब्राउजर फीचर क्या होता है। अगर सजेस्टेड वीडियो की बात करें दोस्तों, सजेस्टेड वीडियो कहाँ क्या होते हैं। अगर चैनल पेज की बात करें, चैनल पेजेस क्या होते हैं, इनके फायदे क्या होते हैं, इनके नुकसान क्या होते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और कैसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं ये बात करेंगे। तो चलिए मैं चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, अभी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप इनका सोल निकाल सकते हो। अभी आपको मोबाइल स्क्रीन ले जाकर मैं आपको केवल सोर्स बताऊंगा कि यह सोर्स है और आप इनको कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए मैं चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो चलिए गाइस, मैं ले आया आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर, और अभी आप देख सकते हो नीचे आपको ट्रैफिक सोर्स का डैशबोर्ड खुला दिखाई दे रहा है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके ट्रैफिक सोर्स होते हैं वो कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं, एंड वो कहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, आप अपने ट्रैफिक सोर्स पर जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो फ्रेंड, कि अपने चैनल पेज, एंड आप सेकंड नंबर पे यूट्यूब सर्च, थर्ड नंबर पे नोटिफिकेशन, चौथे नंबर पे एक्सटर्नल सोर्स एंड ब्राउजर फीचर्स, अदर यूट्यूब फीचर्स, सजेस्टेड वीडियो एंड डायरेक्ट एंड अनकाउंट। इन फीचर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं, ये कहाँ पर शो करते हैं। तो चलिए मैं चैनल पेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट में तो चैनल पेजेस ये है दोस्तों, जैसे कि अगर डायरेक्टली आपके वीडियो पर कोई आकर या फिर आपके चैनल पर अगर डायरेक्टली विजिट करता है सर्च करके, तो वो जाता है आपके चैनल पेजेस के बारे में, जो कि मेरा है 28% सबसे ज़्यादा। सेकेंड नंबर की बात करें दोस्तों, वो होता है यूट्यूब सर्च। जैसे कि मैंने वीडियो डाला हाउ टू इंक्रीज़ व्यूज़, तो ऐसे मैंने वीडियो डाला, अगर कोई सर्च करेगा यूट्यूब में ऑल ओवर इंडिया में या फिर पूरी कंट्री में, सॉरी पूरी देश में, डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च करेगा, और सर्च करने के बाद में जो अगर मेरा वीडियो सजेस्टेड में आएगा यूट्यूब सर्च से रिलेटेड, तो वो आएगा आपके यूट्यूब सर्च में। तीसरे नंबर की बात करें फ्रेंड, तो नोटिफिकेशन। अब नोटिफिकेशन ये होता है दोस्तों, जैसे हमने वीडियो अपलोड किया और जैसे अपलोड करते हैं, जिनके पास नोटिफिकेशन जाता है और नोटिफिकेशन को क्लिक करते हैं, वो होता है आपका नोटिफिकेशन। अगर थर्ड नंबर की बात करें दोस्तों, फोर्थ नंबर की बात करें, तो आपके पास आता है एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स ये होता है दोस्तों, जैसे कि आपने कोई वीडियो अपलोड किया, अगर आप इसको शेयर कर देते हो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एनीवेयर, आप फेसबुक किसी भी चीज़ पर शेयर करो, वो आपके एक्सटर्नल सोर्स में आ जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों ब्राउजर फीचर की, ब्राउजर फीचर ये होता है दोस्तों, जैसे कि किसी ने आपका चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा है, बट उन्होंने आपकी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, और फिर यह क्या है कि वो बेल आइकन नहीं प्रेस करने की वजह से वो वीडियो क्या है, जो हम स्क्रॉल करते हैं नीचे निकालते हैं ना, तो वो उनके ब्राउजर फीचर में आ जाता है, और वो वहाँ से क्लिक करके देखते हैं, तो वो होता है आपका ब्राउजर फीचर। अब यूट्यूब के अदर फीचर की बात करें दोस्तों, आप अपनी लिंक को कहीं भी शेयर कर देते हो डायरेक्टली, तो वो आपके अदर यूट्यूब फीचर में आ जाता है। सजेस्टेड वीडियो, आप जानते हो दोस्तों, जैसे कि आप किसी का वीडियो देख रहे हो, अगर नीचे आपके जो वीडियो शो होते हैं उन वीडियो में अगर आपका वीडियो आ जाता है और वहाँ से कोई क्लिक करके देख लेता है, वो होता है आपके सजेस्टेड वीडियो में आ जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में और बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत बड़े आपके सोर्स मिलेंगे, बहुत सारे ट्यूटोरियल है दोस्तों, जो मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। आज का वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली यही बता रहा हूँ कि ये केवल सोर्स है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए गाइज, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपके एक्सटर्नल सोर्स के बारे में, आपके ट्रैफिक सोर्स के बारे में, आपके जो सजेस्टेड वीडियो, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको प्राप्त होते हैं, कहाँ से आपको आते हैं, आपके व्यूज़ कहाँ से इंक्रीज होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए ब्रांड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया आपका कमेंट में जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ ब्रांड, इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे एक और नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।